अभी आप मतलब सब लोगों को ये पता चला ही चली होगी बात कि आज दोपहर जस्ट अभी सबसे कोई एक घंटा पहले ग्रेनेड अटैक हुआ। ये अमीरा कदल ऊट कदल जो ब्रिज है, इस ऊट कदल ब्रिज के जिस इस जहाँ पे हम लोग खड़े हैं वहाँ पे, और अनफॉर्चुनेटली सिविलियन ही टारगेट हैं उसमें, ज़्यादा से ज़्यादा सिविलियन ही उनकी नुकसान उनको हुआ है। और अभी तक जो रिपोर्ट आ रहा है कोई एक उम्र दराज बुज़ुर्ग थे उनकी डेथ हुई है। तो हम लोग इस घटना पे नज़र बनाए हुए हैं, यहाँ के आसपास का जो भी सीसीटीवी फुटेज जो आसपास यहाँ सीसीटीवी दिख रहे हैं और हमारे कमांड व्हीकल्स वगैरह में जो भी थे और चश्मदीदों के बेस पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं ट्रेस करने की। तो कई बार यहाँ पे जो है हमला, सिक्योरिटी पर्सनल तो आपके साथ साथ खड़े थे, अगर हमारा पुलिसमैन इंजर्ड नहीं होता तो शायद सिक्योरिटी में चूक आप लोग बोल भी सकते थे, क्योंकि उसमें जो भीड़ है उसमें सिक्योरिटी पर्सनल भी इंजर्ड है। तो जिसने टारगेट किया वो किस चीज़ को टारगेट किया ये उसको देखना था, और सिक्योरिटी की चूक तो अब जैसा क्या है, उस आपके सिविलियन के साथ साथ हमारा पुलिस मैन भी सेम इंजर्ड है। तो बाकी इसमें हम लोग इम्प्रूव, हम लोग इसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। वाकई ये ट्रेंड बनता जा रहा है और इसमें कुछ वाइटल क्लूज भी हमारे सामने आ गए हैं, तो जल्दी हम लोग ट्रेस भी कर लेंगे। टोटल इंजरी सर कितनी है? अभी रिपोर्टेड तो टोटल 20 ही आ रही है, और अगर आगे कोई फर्दर इंजर्ड चाहे कुछ ऐसा कोई डिटेल हमारे पास आता है तो आपके साथ शेयर किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट पुलिस की ओर से। तो सर काफ़ी चुनौतियाँ बढ़ चुकी हैं क्योंकि जी अब भीड़ भाड़ वाले इलाकों को टारगेट किया जा रहा है, साथ में इससे पहले भी इस तरह के ग्रेनेड अटैक यहाँ पे भी हुए हैं और यहाँ वाहन भी हैं, इसमें आधुनिक तकनीक से ये लेस हैं वाहन, तो दूर तक इसमें तस्वीरें खींचने की सलाहियत है। तो इस तरह का अटैक यहाँ पर होना आप मानते हैं कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी चुनौतियाँ बढ़ चुकी हैं? सिक्योरिटी श्रीनगर सिटी में, पूरे कश्मीर वैली में हमेशा एक चुनौती रही है, और ऐसी तमाम चुनौतियों का सामना करने के लिए पुलिस तैयार है। अभी तक तो सर किसी तंजीम ने जिम्मेवारी ली ग्रेनेड अटैक की? अभी तक तो मेरे और पुलिस के नज़र में तो अभी तक तो नहीं आई है। थैंक यू सर। ओके।